कोरोना काल के दौरान माता पिता की हुई मौत से आहत नन्हे बच्चे अपने लालन पोषण की मांग को लेकर जनदर्शन पहुंचे, जहां वे केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई गई योजना का लाभ दिलाने कलेक्टर से मांग करते नजर आए एवं सौंपा ज्ञापन। कोविड 19 के समय जो बच्चे अनाथ हो गए हैं उनके लिए केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है उनका लाभ दिए जाने की मांग को लेकर सोमवार को ग्राम कोड़िया की कक्षा 10वीं में पढ़ने वाली यमुना ठाकुर अपने छोटे भाई के साथ जनदर्शन में पहुंची। गौरतलब है कि शासन से मदद की गुहार के लिए पहुंची यमुना ठाकुर ने बताया कि उसके पिता कृष्णलाल ठाकुर व माता का कोविड 19 की महामारी के समय 15 अप्रैल और 10 अप्रैल 2021 को मौत हो गई थी, जिसके बाद मैं और मेरा भाई 4 साल जो छोटा है कोरोना से ग्रसित हो गए थे, परंतु हमारी जान बच गई। वर्तमान में हम अपने बुजुर्ग नाना नानी के साथ रहकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जिससे हमारी जीविका पालन एवं दिनचर्या में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और शिक्षा में भी काफ़ी परेशानियाँ आने की बात है, उसने कही। साथ ही कहा कि मैं और मेरा भाई कलेक्टर से निवेदन करने आए हैं कि केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार की जो योजनाओं का संचालन किया जा रहा है उसका लाभ हमें भी दिया जाए। इस संबंध में न्यूज टीम को दोनों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मेरे पापा सरकारी कर्मचारी थे, डॉक्टर में वेटनरी डॉक्टर थे, तो उनका देहांत 10 तारीख को 10 अप्रैल 2021 में उनका देहांत हो गया। तो उनके बाद 5 दिन के अंतराल में मम्मी का भी 15 तारीख को डेथ हो गया। तो वही कोरोना काल में दोनों चले गए माता पिता, तो मेरे को घर चलाने के लिए कुछ सुविधा प्राप्त नहीं हो पा रही, इसीलिए मैं यहाँ आई थी। मेरा छोटा भाई और नानी रहती घर में। समय किशन ठाकुर उनकी पत्नी 5 दिन के अंदर में दोनों का देहांत हो गया। उसके बाद में उनके 2 बच्चे यमुना ठाकुर और जय ठाकुर, इन बच्चों को जो सरकार से सुविधा मिलना चाहिए था वो सुविधा नहीं मिला है। शिक्षा जहाँ पे पढ़ती थी स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन उसके बाद में उनकी भोजन की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था और अनेक जो सुविधाएं हैं, उनकी चिकित्सा की व्यवस्था, यह सरकार की जवाबदारी बनती थी। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो जो बच्चे अनाथ हो गए, जो जो यतीम हो गए हैं, उनकी सरकार देख रेख करेगी। चूँकि ये दोनों बच्चों को अभी तक के किसी प्रकार से सरकार से कोई सहायता नहीं मिला है, जो 50,000 जो मिलता था वो मिला, उसके अलावा और कोई सहायता इनको नहीं मिला है। तो हम लोग ने कलेक्टर से गुजारिश करने के लिए आए थे, इन बच्चों को जिला प्रशासन गोद ले और इनकी हर सुविधाओं को पूर्ण करे, ये हम लोग ने आवेदन यहाँ पर दिया। मैं यहाँ के अधिकारी कुछ जाएंगे वहाँ पर और वहाँ पर बच्चों की वास्तविक स्थिति को जायजा लेकर के सरकार से जो भी सहयोग मिलेगा वो करेंगे। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्गा सेना सिंह फारूकी की रिपोर्ट।